चलो बाहर बाहर चलो 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 चल तू बाहर हो तू बाहर हो खाना खा ले खाना खा ले खाना खा ले चल 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 अंदर नहीं जाना अंदर नहीं जाना अंदर नहीं जाना आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ चलो शुरू 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 जाओ जाओ चल भाग जा तेरा दिल नहीं कर रहा भाई आजा आजा चल निकल ओए ना लड़ो भाई ना लड़ो चल बेटा तू अंदर पिंड में चल भाग जा तो क्या हाल है ठीक है यार। तो यार आप लोगों को पता है आजकल ना सीजन है चूजे वगैरह निकल रहे हैं बतख वगैरह के मुर्गियों के। तो ये है कि हमारे दूसरे चूजे भी आप लोगों ने देखे थे व्हाइट मुर्गी के, तो उसके बाद दोबारा हमारी एक मुर्गी जो है ना ये वाली इसने दोबारा से कुड़क मार लिया। और इसके जो पहले चूजे थे ना वो आप चेक करेंगे आपको काले नजर आ रहे हैं, एक ये वाला काला है ठीक है और एक ये वाला काला है। अब देख रहे हैं माशाल्लाह कितने बड़े हो गए हैं। तो ये साथ उन्होंने छोड़ दिया था इसको, तो अब दोबारा ना काफी इसको ना तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं कूड़े को बैठी हुई है। तो तब तक मैं अंडा तू तो चुप कर जा, तब तक मैं अंडे इकट्ठे कर रहा था। मैंने कहा अंडे इकट्ठे होते हैं तो उसके बाद जाके इसको बिठाते हैं। तो ये है कि 7-8 अंडे हमारे अपने घर के हो गए हैं, बाकी बाहर से मैंने एक दो लड़कों को कहा था वो भी अभी अरेंज करके देंगे। तो ये मैंने कहा ज्यादा लेट ना करें फिर अंडे भी हैं तो खराब हो जाएंगे। अंडे इकट्ठे अंडे लेके आता हूँ फिर आपके सामने इसको उठाते हैं लेके जाते हैं साथ उठाते हैं इसको कूड़क प्याज। यार एक और चूजा मरा, आप चेक करें पहले हमारे चूजे जो है कितने 9 चूजे बच गए यार। ये वाली मुर्गी बड़े अच्छी तरह चूजे जो है पाल रही है, चेक करें कितने माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। 6 चूजे तो माशाल्लाह 6 के 6 गंद भरा डालते हैं इसमें जो है कूड़े को बिठाना है। अभी समझ नहीं लग रहा मुर्गी मारेगी, अब क्या सीन करना चाहिए ताकि मुर्गी इनको मारेगा, क्योंकि अगर उसको ऐसे बिठा देना कूड़े पे यहाँ पे तो ये मुर्गी मारेगी या लड़ेगी, एक कभी मर जाएगी फिर मसला होता ना वो भी चूजों को मार सकती है। तो ये तांबे जो है वो मैंने नीचे जाकर नीचे में जहाँ देखे वहां जाके रखे हैं। चलो जी तो मैंने कहा यार इसको चलो पिंजरे में बिठाते हैं, इधर मसला हो जाना अंदर कमरे वगैरह में सोच रहा था बिठा दें इधर अंदर ही कहीं पर, उधर सही नहीं आ रहा क्योंकि बाप उसने फिर बाहर भी निकलना होता अपनी मर्जी से फिर खराब हो जाता है काम। तो मैंने कहा यहाँ पे जगह देख के ना इसकी यहाँ पे इसको बिठा देते हैं कोई मसला नहीं होता। ये चीज़ ना बड़ी अच्छी जगह है, चल आ जा तेरी जगह बन गई बना ली हमने, आ जा तू आ जा तो इधर जाके बैठ चल उधर। ये हमारा देसी अंडा था, ये वाला भी हमने इधर कर दिया, ये भी साथ रख देते हैं बाकी और भी कल चल इंशाल्लाह तक आ जाएंगे। इसका दिल ही नहीं कर रहा वहाँ बैठने का, इसको जगह एक बोल मिल गई है ना चलना। और भाई अंडे वो पड़े हैं नजर नहीं आ रहे। नेक्स्ट डे ये बड़ा ना काम खराब हो गया यार। मैंने कहा मुर्गी बैठ जाएगी, ये कहीं कोई और मुर्गी बैठी रही है ऊपर, उसने वो देखे अंडा ही तोड़ दिया। टोटल 8 अंडे थे और इन्होंने हाल क्या किया यार, एक अंडा अब इनको डालना पड़ना बाहर। अब देखो खा रहे हैं आराम से यार, इतना गुस्सा चढ़ने लग गया कसम से। सारी इन्होंने ये अंडे तोड़ी हुई थी ये भी यहाँ फेंक दिया, अंडे पता नहीं कहाँ एकदम ही गायब हो गए इन्होंने, मतलब तोड़ दिए सारे इकट्ठे तोड़ दिए। वैसे बड़ी हैरत की बात है अंडे मैंने रखे टोटल 8 देसी के मिलाए थे, 7 इनके थे जिनमें मैंने मार किया भाई सारे सील के थे, और उनके 4 हैं एक देसी के है एक तो टूट गया बाकी 2 फिर भी गायब है यार समझ से बाहर। ये अब हम देखने आए गाइस बतख से ना, ये हम जो है चूजे भी निकाले थे माशाल्लाह चेक करें यार कितने पैर लग रहे यार। चुप कर ओए, हां आज रखता हूं तुझे आज रखता हूं गिराता हूं। इसके बेचारे के ना पाँव पे ये खासियत है। क्या हो गया अभी शोपर फंसा निकाल रहे हैं उनको पता नहीं क्या बार बार पीछे, ये तो मारते ही बड़े हैं अभी तो आदत हो गई हमें साथ जाते वरना बड़े काम खराब करते हैं हमारे। चल तो यार इस वाली का बड़ा काम खराब हुआ है, ये भी तो अंडों पर बैठी हुई थी पर इसके भी यार सारे अंडे जो है ना खराब हो गए। आपको खाता हूँ मैं, आपको नजर आ रहा होना है पर्पल पर्पल से हुए हैं, ये क्या कलर है इनका, काफी ज्यादा टाइम हो गया बेचारे को, इतने दिन हो गया ऊपर से बैठना भी उन्हें 40 दिन होता है, ऊपर से काम और ज्यादा खराब होता है क्योंकि 40 दिन से ज्यादा इसको हो गया अभी तक से चूजे नहीं निकाले और अंडे सारे खराब हो गए। और जो व्हाइट वाले के आपको अभी चूजे दिखाए हैं वो बिल्कुल वहां से सही निकले हैं, वो भी इनके साथ ही रखे थे पर इसके निकले पता नहीं क्या सीन हुआ। और ये वाला जो है इन बतखों ने भी एक नहीं निकाले चूजे उसके मार गए हैं और 2 मुर्गे हैं बाकी चूजे निकाले हुए हैं, एक वो वाली ने निकाले हुए, इसने भी 7-8 निकाले तो उसमें 2 बचे और इसने ये काली वाली देसी है इसने 3 चूजे निकाले थे और एक जाके इनका मार गया बाकी माशाल्लाह बचे हुए हैं, 2 इसके हुए हैं और 2 उसके चूजे निकले हैं बचे हैं। फिर आखिरकार मैंने ना यहाँ पे स्टोर में बिठा दिया क्योंकि मैंने कहा यहाँ पे मुर्गियाँ जो है ना इनको बड़ा ज्यादा ही तंग करती हैं
और अंदर उन्होंने दोबारा दो तीन दफा ना अंडे तोड़ दिए, चार कल उन्होंने अंडे तोड़े हैं। तो फिर आज आके देखा एक उन्होंने और अंडा तोड़ा, मैंने कहा जगह चेंज कर ले मसला है, क्योंकि इतने एक्सपेंसिव अंडे थे असील के गोले से तोड़ दिए, देसी होता बात ज्यादा होती है। तो ये है कि मैंने अब 9-10 अंडे इसके नीचे हो गए हैं, देखना माशाल्लाह कितने हैं। ब्लॉग जो है यहाँ से एंड कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे ना कल वाले ब्लॉग में मिलेंगे।